गुरु जी प्रणाम। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं कन्नौज सुवीन। बताइए सर, थोड़ी जानकारी लेना चाह रहे सर। बताइए सर, ये 11 वाला जो है बीएड का क्या होगा उसमें सर? बीएड का जो 2011 वाले हैं, 11 टेट हुआ था सर, क्या जानते हैं पहले आप वो बताइए। अब क्या हमें जानकारी सर कम से कम है ना के बराबर। आपका यूट्यूब पे देखा था सर, तो हम कह सर आपसे कुछ राहत मिलेगी सर जान के। तो यूट्यूब पर आप देखे थे तो उस पर तो सारी चीजें बताई गई हैं, फिर अभी क्या बाकी रह गया? बाकी जो आप बता रहे हो तो सच हो रहा सर। सच हो रहा मतलब? आप जो मतलब हमने यूट्यूब पे पहले भी कई बार देखा और देखते आए, जो आपने कहते रहे वो होता दिख रहा है मतलब। तो जब चीजें बताई जा रही हैं और वो चीजें आप देख रहे हैं कि घटित हो रही हैं, बार में भी न्यूज आते रहते हैं और गवर्नमेंट कर ही रही है स्टेप बाय स्टेप, फिर अब उसमें डाउट कहाँ है? जी 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 तो भाई वो गवर्नमेंट की चीजें हैं, आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो कर रही है तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, शांतिपूर्वक सिर्फ इंतजार करना है। इसके पहले आपने देखा है कि न जाने कितने लुटेरे आए, कोर्ट कचहरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का सब कर डाले, हुआ कुछ नहीं, लेकिन वो लोग लखपति करोड़पति बन गए। धरना करेंगे, ये करेंगे, धरना वरना भी कर लिए, कुछ हुआ कुछ नहीं। आज भी वो वही रट लगाते हैं कि न्यू एड होगा, गुमराह कुछ लोगों कह दो गुमराह कुछ लगते हैं सर। भाई गुमराह नहीं करेंगे तो वो फिर पैसे कैसे मांगेंगे आपसे? और आप देख रहे हैं जिनका भी, जिनको भी आप जानते होंगे, नाम दो चार दस तो आप भी जानते होंगे कुछ को, और देख लीजिए कल कैसे थे और आज कैसे हैं। कल उनके पास कितने पैसे थे, आप भी बेरोजगार हैं, वो भी बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन वो उनका चेहरे चमकते जा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा घर सब बनता जा रहा है और हम आप जहाँ थे वही हैं। तो आप खुद सोचिए कि ना कि वो बंदा जो कह रहा था कुछ हुआ भी नहीं है तो वो क्यों कर रहा है ये सब? जैसे तो ये सब जैसे क्या अप्रैल मई से स्टार्ट होगा काम? देखिए लाइफ टाइम होना है ये सबको पता है, बजट में इसका न्यूज भी आ चुका है पेपर में, सिर्फ बजट होना बाकी है, बिना लाइफ टाइम हुए चीजें होंगी नहीं, ठीक है? और नई शिक्षा नीति को आपने देखा भी होगा कि बार बार चर्चा अखबार में भी आती रहती है, टीवी पर भी चर्चा हो चुकी है, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं मन से कई बार, अभी बजट पास हुआ तो बजट सत्र में भी इस पर चर्चा हुई और उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, ठीक है? तो नया जो सत्र आ रहा है, इस नए सत्र से उसके जो भी है सारी चीजें अप्लाई की जा रही हैं पूरे भारत में, और पूरे भारत में कितने पद कहाँ कहाँ किस किस राज्य में उसका भी ब्यौरा आ चुका है, ठीक है? तो अब जो है जो नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी पद राज्य में पूरे खाली हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान या केरल या कोई भी राज्य, जहाँ जितने भी पद हैं वो सारे भरे जाएंगे, और पहले जो मानक थे वो मानक चेंज हो चुके हैं, नए मानक के अनुसार सारे पद भरे जाएंगे। तो करीब मान के लिए 10 से 15 लाख के बीच में जो है पूरे भारत में एक साथ नियुक्ति कराएंगे, जो कि यूपी में करीब करीब 5-5.5 लाख है, और जो अभी सामने आया था पुराना डेटा उसमें 4,80,000 दिखाया गया है, नया डेटा कलेक्ट किया जाएगा करेंट का तो करीब वो 6 लाख पार करेगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, एक साथ 6 लाख तो नहीं करेगी, 5 लाख नहीं करेगी, लेकिन पहला जो इनका प्रथम चरण है प्लानिंग वो करीब 2.25 लाख के आसपास है, या फिर हो सकता है कि 2018 तक सबका एक साथ कर दें, क्योंकि 2018 तक टोटल लेने पर भी जो है करीब करीब 4 लाख 4.25 लाख हो रहे हैं, और पद तो बहुत है, 4,80,000 का डेटा आ चुका है सामने। तो ध्यान रखिए, इंतजार कीजिए, बाकी कौन क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए, पेपर में क्या आ रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या चल रहा है वो जानिए। सर जो सर जो जूनियर वाला टेट क्रैक किए तो उनको भी मिलेगा? नहीं, जूनियर वाला हम बार बार बताएं कि जूनियर के लिए ये बातें हम नहीं बताते हैं, क्योंकि जूनियर में पहले तो भर्ती आती नहीं थी, एक बार आई है और अभी आने जा रही है, वो एडेड कॉलेज की है, ठीक है? और वो भी एग्जाम आ चुका है, तो जूनियर में तो डायरेक्ट कोई भर्ती ऐसे नहीं होने वाली है, जूनियर की भर्ती जो भी होगी वो वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा, चाहे वो जो बेरोजगार हैं वो
या फिर जो लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं जो प्रमोशन पाते थे वो भी एग्जाम देंगे, यानी एग्जाम के ही थ्रू वो भर्ती होगी जूनियर वाली। जी। ठीक है, ये हम जितनी भी चीजें बताते हैं वो प्राइमरी लेवल की बताते हैं और प्री प्राइमरी लेवल की चीजें बताते हैं। बाकी हम बार बार कह रहे हैं कि जूनियर में एग्जाम होगा, आगे टीएसटी पीएससी और अन्य जो ऊपर बढ़ते हैं सब एग्जाम होंगे। प्राइमरी में भी अभी नई शिक्षा नीति के तहत ये डायरेक्ट लेने जा रहे हैं, नहीं तो बाकी जैसे सुपर टेट होता है वो होता रहेगा, सुपर टेट से ही ये भर्ती होगी। सर जैसे मैंने पेपर में भी देखा था, ये बैक वाला लाइफ टाइम हो जाएगा टेट वाला? भाई एनसीटी लेटर जारी कर चुकी है, पेपर में न्यूज आ चुका है, दिल्ली से भी आ चुका है न्यूज, राज्यों का भी न्यूज आ चुका है, आप देख लीजिए सबको लाइफ टाइम करने जा रहे हैं वो। सर हमारा 14 का टेट जूनियर का भी था। कोई भी आपने दिया है, 2011 से टीटी परीक्षा आई थी, चाहे वो सी टेट हो या राज्यों का टेट, तो सब लाइफ टाइम हो जाएगा। जैसे आप हाई स्कूल इंटर पास करते हैं एक बार और आजीवन वो काम आता है, वैसे ही वो भी हो जाएगा। तो वो सर इसमें मान्य नहीं होगा अभी जो एग्जाम जो परीक्षा आ रही इसमें सुपर का जूनियर का, क्या चीज ये जूनियर हमारा सर 14 का है, इसमें मान्य होगा सर? अभी गजट हुआ है लाइफ टाइम का, नहीं अभी हो ही नहीं सर वही तो तो फिर सर। आप इस सवाल क्यों कर रहे हैं जब आप खुद ही जान रहे हैं आंसर, आपको खुद ही पता है कि अभी लाइफ टाइम हुआ नहीं है, जो चीज आपके पास एक्सपायर हाँ पड़ा वही हुआ है तो वो कैसे काम आएगा। सही याद है सर। ठीक है, तो लाइफ टाइम का गजट जो है वो अभी थोड़े और समय लगेंगे, जल्दी ही हो जाएगा, उसके बाद आपका पुराना वाला काम आएगा। फिलहाल जो नए लोग हैं जिनका वैलिड है वो काम आएगा, या फिर आप जो है यूपी टेट या सी टेट जो भी है आ रहा उससे पहले अगर क्वालिफाई करना चाहें होने से पहले तो वो कर लीजिए। फिलहाल तो ना सी टेट आ रहा है ना यूपी टेट आ रहा है, उसमें भी टाइम है, जी जी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक्सपायर है तो सिर्फ देखते रहिए और इंतजार कीजिए लाइफ टाइम होने का। जी जी ठीक है, बाकी आप ग्रुप में जुड़े रहिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह जो है, टेलीग्राम पर ग्रुप बने हुए हैं, टेट पास ऑल के ही नाम से है, ग्रुप से जुड़े रहिए, अच्छा जो अच्छा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेते रहिए। वही तो सर, इसी के हमें जानकारी सर गुरु ले लें गुरु जी से, कुछ संतुष्ट हो जाए बस वही जो सबको। चीजें घटित हो रही हैं, जो चीजें अंदर चल रही हैं, जो चीजें कुछ केंद्र सरकार कर नहीं रही है। सर मैंने आपका यूट्यूब पे कई बार देखा, जो आपने बताते हैं वो बात सच हो रही है। हम कोई नई चीज नहीं बताते हैं, हम वो चीजें बताते हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, सामने हो रही है, दूसरा जो अंदर चल रहा है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है नई शिक्षा नीति में जो है, जो कोर्ट से ऑर्डर्स हुए हैं। ठीक है, तो चूंकि सामान्य लोग जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ते हैं, नई शिक्षा नीति नहीं ये पढ़ते, सर अंदर की लास्ट खबर नहीं रखते हैं तो उनको नहीं पता चलता, तो जी अंदर की खबर जो हमें मिलती है वही चीज हम शेयर कर देते हैं जी बस। ये सर लाइफ टाइम की तो टेट की तो बात अभी चली है, इस 20 में चली, लेकिन आपने राइट 2 साल पहले ही जिक्र की थी एक बार। 2017 से हम लिख रहे हैं कि लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा, तब कोई मान भी नहीं रहा था। हाँ वही तो भाई, वो आज सामने आ गया हो। तो जो चीजें अंदर चल रही हैं वो भविष्य में होनी है, हमें जानकारी अभी हो गई, हम आपको अभी बता रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा है, तो जिस दिन वो चीज होगा सामने आ ही जाएगा, तो आज नहीं कल जब भी आएगा वो चीज सामने, तो लोगों को मानना ही पड़ेगा, अभी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर की चीजें हैं तो सामने कुछ दिखता नहीं है, और लोग चाहते हैं कि सामने दिखे तो हम मानेंगे, तो सामने दिखने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। जैसे लाइफ टाइम वाला काम 2017 में कहे कोई नहीं माना, 18 में नहीं माने, 19 में भी हम कहते रहे लोग नहीं मान रहे थे, अब देखिए 20 में भी पूरा लास्ट जाते रहते लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन जब हुआ ये न्यूज आया और एनसीटी का लेटर जारी हुआ तो लोग मान गए। जी। तो ऐसे ही हर चीज जो हमने बताया है आगे पीछे सब होगा। ठीक है, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। ठीक ठीक है सर, है, ठीक, ओके, प्रणाम चलिए, ठीक, नमस्कार। गुरु जी। हम्म।